जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। जब तक संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूं। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति। पंच महाभूतों का महाभाग है जल। जल द्वारा मेरे अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है। क्या ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है? क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पण पर्याप्त है? क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? जल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य व जीव जन तो जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तिरछित रहते। ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए, मुझे पीड़ा होती है। जल शरीर का संचालक है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी मदद हो उठूंगा। बेलपत्र मुझे अति प्रिय है। ये मेरा संताप हरते हैं। दतोरा मुझे प्रिय है। ये मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार शांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, मेरे स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो मात्र ततूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी? उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है, तो मेरी सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीप आने की कामना है, तो सच्ची पूजा और भावना है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो, तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है। वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे, वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है मुझसे जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे? उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें ही आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित है। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पर आश्रित है?
या भक्त के भाव पर उनके विचारों पर। यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो वो पूजा नहीं। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को यह अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो भक्ति के अन्य मार्गों का भी सम्मान करेगा। स्मरण, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता।